नमस्कार, मुंबई लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आस्था कौशिक। मुंबई से इस वक्त एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। यहां के मलाड इलाके में एक बैग में 23 साल की लड़की की लाश बरामद हुई है। लड़की का नाम मानसी दीक्षित बताया जा रहा है। मानसी पेशे से मॉडल है, बेहद खूबसूरत। मानसी फिल्मों के लिए भी कोशिशें कर रही थी। तो ये वो बैग है जिसमें मॉडल की लाश बरामद हुई है। मॉडल का नाम मानसी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र करीब 23 साल है। कई मॉडलिंग असाइनमेंट कर चुकी है मानसी। इसके अलावा बॉलीवुड में भी वो ट्राई कर रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गणेश, हत्या के पीछे आखिर पूरा मामला क्या है, किस पर आरोप लगा है, पुलिस क्या कुछ बता पा रही है? आस्था, 2 घंटे के अंदर ही मुंबई पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली और मानसी दीक्षित के ही दोस्त मुजम्मिल सैयद, जिसकी उम्र भी करीब 22-23 साल है, जो हैदराबाद के एक अच्छे घराने का लड़का है, मुंबई में वो भी शायद मॉडलिंग में अपनी किस्मत आजमाने के लिए यहाँ पर आया था। दोनों के बीच दोस्ती थी और दोपहर करीब 1:30 बजे उसने मानसी को अपने घर बुलाया था ओशीवारा में, और दोनों में तभी कुछ खास सुनी हुई बहस हुई, झगड़ा हुआ, और झगड़े के दौरान गुस्से में उसने किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से मानसी के सिर पर जो है हमला किया। मानसी बेहोश हुई, बाद में गला दबाकर उसकी हत्या की और बाद में ग्रेगजिन के बैग में उसके शव को डालकर ऑटो के जरिए मलाड माइंस पे, जो एक बड़ा इलाका है जहाँ वीडियोस काफी चलते हैं, वहां पर उसने एक सुनसान मैंग्रोव की जगह पर उस बैग को फेंक दिया। और पुलिस ने सीसीटीवी देखा तो ऑटो वाले तक पहुंचे जिस ऑटो में वो आया था, फिर वहां से टैक्सी लेकर वो घर गया था। उस टैक्सी वाले को उन्होंने खोजा, टैक्सी वाले ने वो घर दिखाया जहां पर वो उतरा था। सोसाइटी के वॉचमैन से जब पूछा कि ये बैग लेकर कौन निकला सोसाइटी से, तो सोसाइटी के वॉचमैन ने मुजम्मिल का नाम बताया। तुरंत पुलिस मुजम्मिल के घर गई, उसको गिरफ्तार किया और उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उससे गलती हुई है और गुस्से में उसने जो है ये घटना किया। लेकिन बहुत ही दिल दहला देने वाली और वाकई बेहद दिल दहला देने वाला और सनसनीखेज ये मामला रहा। लेकिन 2 घंटे के अंदर मुंबई पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया और दोस्त ही निकला मॉडल का कातिल। शुक्रिया गणेश। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।